नमस्कार, आप जोरा છો મીડિયા રિપોર્ટ. આપની સાથે હું છું ઝરણા. સિદ્ધાર્થજી વારાણસી કે જ્યાં પ્રધાનમંત્રી મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, દેશ કે અગ્રણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન કે રૂપ મે ઉભર રહા હે. કુછ સાલ પહેલે તક જિસ યુપી મે વ્યાપાર કારોબાર કરના મુશ્કિલ માના જાતા થા, આજ મેક ઇન ઇન્ડિયા કે લિયે યુપી पसंदीदा जगह बन रहा है. इसका एक बड़ा कारण है, यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है. यूपी के कोने कोने को चौड़ी और आधुनिक सड़कों, एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम यहां तेजी से चल रहा है. डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं. इन पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियां ही चलेगी ऐसा नहीं, बल्कि इनके इर्द गिर्द आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाले नए औद्योगिक क्लस्टर भी तैयार होंगे. भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत में हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित उद्योगों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है. हाल में ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा. ये देश की कृषि मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है. सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना, ये सरकार की प्राथमिकता है. इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसी का परिणाम है. साथियों, कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में निरंतर काम चल रहा है. वाराणसी हो, पूर्वांचल हो, यहां पेरिशेबल कार्गो सेंटर, इंटरनेशनल राइस सेंटर जैसी अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं आज किसानों के काम आ रही है. ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण हमारा लंगड़ा और दशहरी आम आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठास भर रहा है. आज जिस मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शिलान्यास किया गया है, वही क्षेत्र को एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा. इससे विशेष रूप से छोटे किसानों जो फल सब्जी उगाते हैं उनको सबसे अधिक लाभ होगा. साथियों, काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है
कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्य निष्ठा का कमाल है। भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है, इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपको कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें सारे नियम कायदों का सख्ती से पालन करते रहना है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन,
इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है। टीका जरूर लगवाना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हम सब पर मना रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपका व्यक्तित्व, आपकी संवेदनशील दृष्टि हमें जीवन के हर पथ पर आदर्श रूप में गरिमा के साथ बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। लगभग 1500 परियोजनाओं का उपहार देकर आपने हमारे स्वर्णिम भविष्य की पृष्ठभूमि को प्रशस्त किया है, मजबूत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपको हमारे प्रणाम। तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पोताना मत विस्तार पहुंचा था वाराणसी। काशी में ही जापान अने भारत की दोस्ती प्रतीक सामान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सहित कुल 475.20 करोड़ योजनाओं लोकार्पण कर शिलान्यास कर। हाल में काशी ने संबोधित कर रहा था। भारत माता की जय हर हर महादेव बोलया पछी बात की शुरुआत करी। काशी मैथिली में बात करता कहूं कि लांबा समय पछी आ बधानी साथे सीधी मुलाकात की तक मिली है। तो काशी प्रवास ने लेने प्रधानमंत्री उत्साहित पण हता। आगे सोशल मीडिया पर ट्वीट करीने खुशी व्यक्त करी हती। आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर मधर चाइल्ड हेल्थ विंग जेवी नवी भेट जे छे ते वाराणसी ने आपी छे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर माटे जापान 186 करोड़ रूपया की आर्थिक मदद करी छे। आ पहला वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जापान ना तत्कालीन वडाप्रधान शिंजो आबे तेमना वाराणसी प्रवास दरमियान तेनो शिलान्यास कर्यो हतो। आ सेंटर शिवलिंग आकार में बनेलू है। 3 एकर में बनेला सेंटर की बहार 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लागेला है जे एल्युमिनियम ना छे। अने हवे अन्य समाचारों पर करिए नजर। तो अमदावाद में पोलिसकर्मीए आपघात कर्यो छे। पालड़ी पोलिस स्टेशन ना एकाउंट रूम में पोलिसकर्मीए पिस्तल थी फायरिंग करी आपघात कर्यो छे। उमेश भाटिया नामना आ पोलिसकर्मी आपघात कर्यो छे। सवारे 9:45 कलाके तेणे पोलिस स्टेशन नी अंदर ज जिंदगी टूंकावी दीधी। जो कि शा कारणे तेणे आपघात कर्यो छे ते रहस्य हजी अकबंध छे। उमेश भाटिया नामना आ पोलिसकर्मीए पोतानी ज पिस्तौल वडे पोताना लमणे गोळी मारी दीधी। तो पालड़ी पुलिस स्टेशन ना हेड क्लार्क अकाउंट रूम में गोली मारी आपघात कर्यो। हेड क्लार्क नु नाम उमेश भाटिया होवानुं सामे आव्युं छे। हाल उमेश भाटिया की आत्महत्या थी सहकर्मीओ में पण शोक नो माहौल छे। सूत्रों अनुसार मृतक पासे थी एक सुसाइड नोट मळी आवे छे। जो कि हाल आत्महत्या नु कारण सामे नथी आव्युं, आ अंगे तपास करवामां आवी रही छे। आज सुबह है और लगभग 9:30 के आसपास है उन्होंने सुसाइड किया है और अभी तक कोई कारण हमें है वो जानने को नहीं मिला है। हमने FSL की टीम को बुलाया है तो FSL की टीम ने जांच की है और उनकी बॉडी जो है वो हॉस्पिटल भेजा है। तो विभिन्न प्रकार से हम है वो जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि क्या कारण है वो हो सकता है। अमदावाद पालड़ी पुलिस स्टेशन की अंदर हेड कॉन्स्टेबल उमेश भाटी आज पोताना लमणा पर रिवॉल्वर राखी अने आत्महत्या करेली है। उमेश भाटी अहीं छेला 5 वर्षथी पालड़ी पुलिस स्टेशन की अंदर नौकरी करता था। आत्महत्या कारण हजू नहीं मिलेलू। एकाउंट डिपार्टमेंट की अंदर वर्ष 2009 भर्ती है ने हाल जे तेमनो आत्महत्या करेली है तेनी पाछळनुं कारण पोलीस शोधी रहेली है। FSL
टीम पण आवेली छे अने सूत्र द्वारा एवी पण माहिती प्राप्त थाय छे के उमेश भाटीए सुसाइड नोट पण लखेली छे, एटले के हाल समग्र मामले तपास छे ते थई रहेली छे। हवे जोवानुं ए रहेशे के आगळनी तपास केवा प्रकारे थाय छे अने आत्महत्या पाछळनुं कारण केवा प्रकारनुं निकळे छे। मयूर माकड़िया, न्यूज 18 गुजराती, अमदावाद। પાટણમાં હિટેન્ડરની ઘટના સામે આવી છે। લીલીવાડી નજીકના વિસ્તારમાં હિટેન્ડરની ઘટના બની છે। અહીં ડમ્પર ચાલકે ગફલત રીતે વાહન હંકારી એક સાથે 5-6 વાહનોને અડફેટે લીધા છે। આ સમગ્ર ઘટનામાં 3 લોકોને નાની મોટી ઇજાઓ પહોંચી છે। ઘટના સમયે લોકોના ટોળાહી ઉમટી પડ્યા હતા। ઘટનાની જાણ પોલીસે થતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી તેઓએ વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। तो आखरे 3 महीना बाद अल्पेश कथीरिया ने जेल में थई मुक्ति। सूरत में चूंटणी समय एट्रोसिटी केस में जेल में कैद था पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया। जामीन मंजूर करता कथीरिया ने जेल में मुक्ति मिली। कथीरिया ने स्वागत करने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल सूरत की लाजपोर जेल पहुंचा। लाजपोर जेल में मोटी संख्या में बाहर पाटीदार युवाओं कथीरिया स्वागत करने पहुंचा था। जेल में बाहर आया बाद कथीरिया मंदिर दर्शन करने पहुंचा। जो कि मीडिया सवाल पर अल्पेश कथीरियाए कहूं कि हूं समाज साथ हतो छू और रहीश। અમારા આંદોલનનો કન્વીનર છે અને સ્વાભાવિક રીતે એ 3-4 મહિનાથી જેલમાં હતા તો આજે એને જામીન મળ્યા છે તો એનો ઉત્સાહભેર સ્વાગત માટે એનો ઉત્સાહ વધારવા માટે હું આજે સુરત લાજપોર સેન્ટ્રલ જેલે આવ્યો છું। અલ્પેશની રાહ જોવાય ને એટલે કારણ કે કોંગ્રેસ દાવો કરે છે કે અલ્પેશ અમારી જોડે છે, આપ પાર્ટી દાવો કરે છે કે અલ્પેશભાઈ અમારી સાથે છે અને બજારમાં વાત ચાલે છે કે 22 તારીખ સુધીમાં અલ્પેશ ભાજપમાં જોડાયેલી શક્યતાઓ છે, સાચું શું? અલ્પેશ સમાજ સાથે છે, સમાજ સાથે હતો અને સમાજ સાથે રહેશે। તો આ સાથે વેલકમ બેક। અમરેલીમાં રાજુલા તાલુકાના ચોતરા ગામના રસ્તા પર સવારે સિંહોની લટાર તો રાત્રે દીપડો કેમેરામાં કેદ થયો। સિંહની લટાર અવારનવાર કેમેરામાં કેદ થતી હોય છે, પરંતુ દીપડો ભાગ્યે જ અહીં લટાર મળતો નજરે પડતો હોય છે। મોટે ભાગે દીપડાના હુમલાના બનાવ કે દ્રશ્યો સામે આવતા હોય છે, ત્યારે ભાગ્યે જ દેખાતા દીપડાની લટારથી લોકોમાં ભારે કુતુહલ સર્જાયું છે। બીજી બાજુ એક જ જગ્યાએથી સવારે સિંહ તથા સિંહબાળની લટાર અને રાતના સમયમાં દીપડાની લટારના દ્રશ્યો ખૂબ જ દુર્લભ છે। અમદાવાદ સોલા સિવિલ તથા વલસાડ મેડિકલ કોલેજના ઇન્ટર્ન તબીબો હડતાળ પર ઉતર્યા। સરકારે જાહેર કરેલું કોવિડ ભથ્થું ન મળતા ઇન્ટર્ન ડોક્ટર્સે આંદોલનનો માર્ગ અપનાવ્યો। ઇન્ટર્ન ડોક્ટર્સને કોવિડ ડ્યુટી બદલ સ્ટાઇપન્ડ ઉપર 5,000 વધારાનું ભથ્થું સરકારે જાહેર કર્યું હતું, જે રાજ્યની અમુક કોલેજના ઇન્ટર્ન ડોક્ટર્સને મળી ગયું છે। જ્યારે કે અમુક કોલેજના ઇન્ટર્ન ડોક્ટર્સને 4 મહિનાથી આ ભથ્થું નથી ચૂકવાયું તેવો આક્ષેપ કરાયો છે। આ ભથ્થું ચૂકવવાની માંગ સાથે ઇન્ટર્ન ડોક્ટર્સ હડતાળ પર ઉતર્યા છે। હાલમાં અધ્યાપકોના ભરતી કેમ્પ ચાલી રહ્યા છે, જેમાં વર્ષ 2005 પછી જે અધ્યાપકોએ ગ્રાન્ટેડ કોલેજમાં નિમણૂક પામેલા છે તે અધ્યાપકો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ નોકરી લાગે તો તેમની નોકરીનું જોડાણ પગાર રક્ષણ મળતું નથી, જેને લઈને વિવાદ સામે આવ્યો છે। જો અધ્યાપક અન્ય કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, એસોસિએટ પ્રોફેસર કે પ્રોફેસરની જગ્યા ઉપર નિમણૂક પામે છે ત્યારે તેની ગ્રાન્ટેડ કોલેજ કે યુનિવર્સિટીની કરેલ નોકરીનું જોડાણ કરી આપવામાં નથી આવતું। આ મામલે શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે। જો અધ્યાપકોની માંગ ન સંતોષાય તો આ મુદ્દે વિવાદની સંભાવના પણ દેખાઈ રહી છે। તાજેતરમાં અધ્યાપકોના જે સર્વિસ જોડાણના જે કેમ્પ ચાલી રહ્યા છે એની અંદર અધ્યાપકોની અંદર ભેદભાવ જોવા મળ્યો। ભેદભાવ એવો કે જે અધ્યાપકો 2005 પછી ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં લાગ્યા છે એ અધ્યાપકો જ્યારે બીજી કોલેજમાં કે યુનિવર્સિટીમાં નિમણૂક પામે છે ત્યારે એમની સર્વિસ જોડાણ પગાર રક્ષણ સાથે કરવામાં આવતી નથી। નેટવર્ક 18 એ સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે દરેક ભારતીયોને કોરોનાની રસી મળે। રસીકરણ સામે જાગૃતતા લાવવા માટે નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકની પહેલ સંજીવની અ શોર્ટ ઓફ લાઈફને સપોર્ટ કરો। એક્સપર્ટ અપોલો 24/7। તો નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓના ચક્કર લગાવી રહી છે। રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા અમારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો। ચલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી હાલ ક્યાં પહોંચી છે। તો સંજીવની ગાડી હાલ
નાસિકના પનહલે અને વડોલી ગામે પહોંચી છે, તો ગંટુના કોલાકલુરુ અને કટેવરમ ગામની પણ સંજીવની ગાડીએ મુલાકાત લીધી. સંજીવની ગાડીએ અત્યાર સુધીમાં 406 ગામડાઓના 2,02,650 લોકો સાથે મુલાકાત કરી અને રસી વિશે લોકોને જાગૃત કર્યા. ઘાટ શિલાના પહાડી વિસ્તારમાં એક ગામ છે દાહીકોચા. આ ગામમાં નક્સલ વિરુદ્ધના ઓપરેશન જેવી જ રીતે ઓપરેશન વેક્સિનેશન ચલાવાઈ રહ્યું છે. ઓપરેશન એટલા માટે કારણ કે આ ગામમાં જવા માટે કોઈ સીધો રસ્તો જ નથી. પથરીલા રસ્તા નદી નાળાને પાર કરીને સ્વાસ્થ્ય વિભાગની ટીમ ગામ સુધી પહોંચી છે અને ગામના તમામ લોકોને રસી અપાઈ છે. ऊंचे पहाड़, पहाड़ी नदी नाले और पथरीली पगडंडियों के फिसलन से बचकर निकल रहे ये लोग पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड के दाहीकोचा गांव जा रहे हैं. मुसाबनी प्रखंड के वीडियो सीमा कुमारी के नेतृत्व में निकली ये मेडिकल टीम करीब घंटे भर से इन्हीं पथरीली रास्तों पर चल रही है. ये रास्ता इतना दुर्गम है कि आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी आपको यहाँ दूर दूर तक विकास का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में इस गांव की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि इस गांव को संवारने के साथ साथ वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा भी मुसाबनी की बीडीओ सीमा कुमारी ने अपने कंधे पर उठा लिया है और आज वैक्सीनेशन के साथ इसका श्री गणेश भी हो गया है. टीकाकरण का कैंप लगाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि परिचालन बिल्कुल बाधित है, रोड की स्थिति काफी खराब है. अभी बारिश होने के कारण एकदम कट गए हैं ये लोग शहर से, तो इसलिए कैंप लगा के यहाँ टीकाकरण किए. और यहाँ 15 घर है, 15 घर के टीकाकरण में यहाँ सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं. अब सेकेंड डोज की जब बारी आएगी तो फिर हम लोग यहाँ पुनः कैंप लगाएंगे. और ये लोगों में इतना उत्साह है कि यहाँ टीम पहुँची, ये काफ़ी खुश हैं. सच पूछिए तो इस गांव तक पहुंचना किसी नक्सल प्रभावित इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने से कतई कम नहीं था. फर्क सिर्फ इतना था कि जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवानों के कंधे पर बंदूक रहती है, वहीं बीडीओ सीमा कुमारी के साथ चल रहे मेडिकल स्टाफ के कंधों पर वैक्सीनेशन के लिए जरूरी उपकरण रखे थे. हालांकि शुरुआत में गांव के लोग सरकारी उदासीनता के चलते नाराज थे, लेकिन बीडीओ सीमा कुमारी के समझाने के बाद गांव वाले टीकाकरण के लिए राजी हो गए, जिसके बाद 15 परिवारों के इस गांव के तमाम योग्य लोगों का 100% टीकाकरण कर दिया गया. तो बहुत हम लोग डरता था, पूरा गांव वाला पूरा डरता था, लेकिन अब ले लिया है. हम लोग डरता डरा और कुछ नहीं है. अभी सब पूरा हम लोग मतलब पूरा बेफिक्र है, अभी खुश है. विकास की दौड़ में पीछे छूट गए इस गांव में, ये पहली दफा है जब किसी सरकारी अधिकारी ने इस गांव के लोगों की सुध ली है. लिहाजा ग्रामीण भी बेहद खुश है. उम्मीद है इस गांव के लोगों की तरह ही सब टीके की अहमियत समझेंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर कोरोना के खतरे को कम करेंगे. घाटशिला से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क.